संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, यह 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सदन में बजट पेश करेंगी, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी। तो संसद का मानसून सत्र देखिए कल से और 12 अगस्त तक चलेगा ये सत्र। संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीडिया बुलाई गई है। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आप, AIMIM, YSRCP व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा, साथ ही कहा नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी TMC नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है और इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमने बहुत उपयोगी चर्चा की। मैं सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए। हमने संसद के सभी सदनों के नेताओं से सुचारू रूप से सुझाव लिए हैं। एक पारंपरिक हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का भारतीय जनता पार्टी को मिला करके 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। टोटल 55 लीडर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री जी जो हमारा डिप्टी लीडर है लोकसभा में और आज के मीटिंग को जिन्होंने चेयर किए हैं, हमारे सदन के नेता राज्यसभा में आदरणीय JP नड्डा जी और मैं और अपने दोनों राज्य मंत्री पार्लियामेंट अफेयर्स के अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम लोगों ने टोटल चिराग पासवान जी अपने दल के नेता के हिसाब से उन्होंने अटेंड किए हैं। तो 55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बजट सेशन बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और बहुत अच्छा बजट लेकर के आएंगे, सब इसका इंतजार है। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा 22 जुलाई को और 23 को जनरल यूनियन बजट 2024-25 पेश।